इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए finovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज के इस केस स्टडी में हम बात करने वाले हैं मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी के बारे में, जो कि गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद भी आगे चलकर दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी का जन्म 1835 में स्कॉटलैंड में हुआ। उनके पिता हैंडलूम बुनने का काम करते थे और उनकी माँ सिलाई काम करती थी। जब स्कॉटलैंड में घर चलाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने यूएस जाने का फैसला किया और 1848 में मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी की फैमिली स्कॉटलैंड से अमेरिका चली गई। तब मिस्टर एंड्रयू 13 साल के थे। उनकी फैमिली की कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके पास स्कॉटलैंड से अमेरिका जाने के भी पैसे नहीं थे। फिर उन्हें अपना कुछ सामान बेचना पड़ा, जिससे आए हुए पैसों से वो अमेरिका चले गए। उनकी फैमिली यूएस के पिट्सबर्ग में जाके सेटल हुई। तब एंड्रयू की स्कूलिंग खत्म हो चुकी थी और फैमिली की खराब फाइनेंशियल कंडीशन के चलते आगे पढ़ना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने पिट्सबर्ग के कॉटन फैक्ट्री में जॉब करने के बारे में सोचा और वहाँ पर उन्हें जॉब मिल भी गई। और अपनी इस पहली जॉब में वो महीने का $5 कमाते थे। पिछली केस स्टडी में हम इसे जॉन डी रॉकफेलर के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा था कि वो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके घर के भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसके चलते उन्हें भी बहुत कम उम्र में जॉब करनी पड़ी। एंड्रयू बचपन से ही पढ़ने में काफी इंटरेस्टेड था, साथ ही नई चीजें सीखना, उन्हें प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके देखना उनकी हॉबी थी। एंड्रयू के घर के पास ही एक रिटायर्ड बिजनेसमैन रहते थे, जिनका नाम था मिस्टर जेम्स एंडरसन। तो मिस्टर जेम्स एंडरसन अपनी लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए देते थे। एंड्रयू को पढ़ना बहुत पसंद था। अब स्कूलिंग खत्म होने के बावजूद भी वो आगे कंटिन्यूसली पढ़ते रहना चाहते थे, तो मिस्टर जेम्स एंडरसन ने दी हुई बुक्स का एंड्रयू को काफी फायदा हुआ। और तभी से एंड्रयू ने सोच लिया था कि जब भी मैं आगे चलकर बहुत पैसा कमाऊंगा तो मैं भी इसी तरह बहुत सारी लाइब्रेरीज खड़ी करूंगा और कई सारे लोग जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता वो उन लाइब्रेरीज में जाके पढ़ पाएंगे। जल्दी उन्हें टेलीग्राफ मैसेंजर का जॉब मिला। वो जॉब उन्होंने काफी अच्छे तरीके से किया, जिसके चलते उनका जल्दी प्रमोशन हो गया और वो टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। फिर एक दिन पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर थॉमस स्कॉट की नजर एंड्रयू कार्नेगी पर पड़ी। एंड्रयू के काम को देखकर वो काफी इंप्रेस हो गए और उन्होंने एंड्रयू को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, साथ ही पर्सनल टेलीग्राफर भी। वहां पर भी एंड्रयू की लगातार ग्रोथ जारी रही। मिस्टर स्कॉट ने एंड्रयू को काफी सपोर्ट किया। वो एंड्रयू को अपना खास मानते थे और उसे माय बॉय एंडी के नाम से बुलाते थे। फिर 1859 में मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी भी रेल रोड के सुपरिंटेंडेंट बने। सुपरिंटेंडेंट बनने के बाद उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिल गई, जिसमें से काफी सारा पैसा वो सेव करने लगे और इसी से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हॉबी डेवलप की और यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। तो रेल रोड कंपनी में सुपरिंटेंडेंट का काम करते करते वो इन्वेस्टमेंट भी करने लगे। अब रेल रोड इंडस्ट्री में कई सालों से काम करने के बाद एंड्रयू को रेल रोड इंडस्ट्री की अच्छी खासी जानकारी हो गई थी, इनडेप्थ नॉलेज भी आ गया था और इसी बेसिस पर उन्होंने रेल रोड कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एंड्रयू ने देखा कि अमेरिका में रेल रोड का एक्सपांशन बहुत तेजी से हो रहा है, इसी के चलते पैसेंजर रेलवे की भी काफी डिमांड आने लगेगी, जिसके चलते जो कंपनीज पैसेंजर कार्स के लिए स्लीपिंग कोच बनाते हैं उनकी भी डिमांड बढ़ने लगेगी। तो इस फ्यूचर ट्रेंड को देखते हुए उन्होंने वुड्रॉप स्लीपिंग कार कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो कि पैसेंजर रेलवे के लिए स्लीपिंग कोच बनाने का काम करती थी। आगे चल के जब अमेरिका में पैसेंजर ट्रेन दौड़ने लगी तो उसका वुड्रॉप स्लीपिंग कार कंपनी को बहुत फायदा मिला और क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी ने उस कंपनी में हेवीली इन्वेस्ट किया था तो उन्हें भी अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत फायदा मिला। उस टाइम कंपनीज बहुत बड़े बड़े डिविडेंड्स देती थी, यानी कंपनीज अपने प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती थी। जैसे जैसे मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी की इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी वैसे वैसे उन्हें मिलता हुआ डिविडेंड भी बढ़ने लगा और जल्दी उन्हें अपनी सैलरी से भी ज्यादा डिविडेंड मिलने लगा। उन पैसों से वो और भी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। बाद में उन्होंने ऑयल कंपनीज में इन्वेस्ट किया और वहां पर भी उन्हें बहुत फायदा मिला। अपने सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स के बाद उन्होंने अपनी रेल रोड की जॉब छोड़ दी और बिजनेस पर फोकस करना शुरू किया। आप अगर मिस्टर वॉरेन बफेट की लाइफ स्टोरी देखोगे तो उन्होंने भी शुरुआत इन्वेस्टर के तौर पर की थी और आगे चलकर वो भी एक बिजनेसमैन बने। सिमिलरली अगर इंडिया की बात की जाए तो मिस्टर राधाकिशन दमानी, जो कि एक पहले स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी अपने सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स के बाद में बिजनेस में एंट्री की और डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनी खड़ी की। बाद में मिस्टर कार्नेगी कीस्टन ब्रिज कंपनी को मैनेज करने लगे। उन्होंने मिसिसिपी नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया। उस ब्रिज की खास बात ये थी कि वो दुनिया का पहला ब्रिज था जो स्टील से बना था। वो ब्रिज बनाने के लिए मिस्टर कार्नेगी ने बहुत ज्यादा रिस्क लिया था, क्योंकि उस टाइम 4 में से 1 ब्रिज फेल हो जाता था, यानी ब्रिजेस का जो फेलियर रेट था वो काफी ज्यादा था। ऐसे में ब्रिज बनाने का नॉर्मल तरीका छोड़कर स्टील से ब्रिज बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बाद में जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तब इस ब्रिज पर से कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। लोगों को डर था कि ये ब्रिज फेल हो सकता है क्योंकि वो स्टील से बना है। उस टाइम ऐसा माना जाता था कि हाथी सिर्फ ऐसे ही जगह पे चलता है जो स्टेबल हो, यानी वो तभी उस ब्रिज को क्रॉस करेगा जब वो मानेगा कि ये ब्रिज स्टेबल है। तो मिस्टर कार्नेगी ने हाथी को उस ब्रिज पर से चलाया और हाथी ने वो ब्रिज बड़े आराम से क्रॉस भी कर लिया, जिसके बाद लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि एक सेफ ब्रिज है और फिर लोगों ने वहां से आना जाना शुरू किया। तो स्टील से बने सक्सेसफुल ब्रिज के बाद स्टील की डिमांड अमेरिका में काफी बढ़ने लगी। बाद में लोग स्टील की मदद से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे, यानी बड़ी बड़ी स्काईस्क्रैपर्स बनाने लगे, जिसका मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी को काफी फायदा मिला। जब मिस्टर कार्नेगी 33 साल के थे तब उन्होंने खुद को एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा, यानी 2
साल और काम करूंगा और उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी फिलैंथ्रोपी में लगाऊंगा। यानी 35 साल के बाद वो सिर्फ चैरिटी और डोनेशन पर ही फोकस करेंगे। लेकिन 35 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपनी पहली चीज फॉलो नहीं की। यानी 35 साल के बाद रिटायर होने का उनका जो प्लान था उसे उन्होंने फॉलो नहीं किया, लेकिन अपना जो दूसरा प्लान था दैट इज फिलैंथ्रोपी का, उसे उन्होंने जरूर फॉलो किया और वो लगातार फिलैंथ्रोपी करते रहे। साल 1870 के बाद उन्होंने स्टील बिजनेस पर फोकस करना शुरू किया। अपने बिजनेस में उनका मेन फोकस था इनोवेशन, यानी स्टील बनाने की जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना, नई इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ स्टील बनाने की जो कॉस्ट है उसे कम करना, साथ ही स्टील बनाने की जो स्पीड है उसे बढ़ाना। यूएस में स्टील के प्रोडक्शन को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने पूरी अमेरिका में स्टील के कई सारे प्लांट्स खड़े किए और वर्टिकल इंटीग्रेशन की मदद से अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाया। अब समझते हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखो बेसिकली दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है, पहली होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन प्रोसेस की। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में कंपनी उसी तरह का काम करने वाली कंपनीज को अक्वायर करती है, यानी खरीद लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट केस स्टडी में हमने जिनकी बात की थी, यानी जॉन डी रॉकफेलर की बात की थी, उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल दूसरी ऑयल कंपनीज को खरीदती थी। यानी उन्होंने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करके उन कंपनीज को खरीदा था जो काम वो खुद करती थी। यानी जॉन डी रॉकफेलर की कंपनी भी ऑयल रिफाइनिंग का काम करती थी और उन्होंने जिन कंपनीज को अक्वायर किया वो भी कंपनीज ऑयल रिफाइनिंग का ही काम करती थी। अब बात करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन की। तो मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी ने वर्टिकल इंटीग्रेशन किया, यानी उनकी कंपनी स्टील बनाने का काम करती थी। साथ ही स्टील बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है जैसे कि आयरन, कोल एटसेट्रा, इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल रोड और शिपिंग की जरूरत पड़ती थी। तो एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी ने शिपिंग कंपनीज और रेल रोड कंपनीज को भी खरीद लिया। रॉ मटेरियल के लिए आयरन की जो माइंस है उन्हें भी खरीद लिया, साथ ही जो कोल माइंस है उन्हें भी खरीद लिया। यानी रॉ मटेरियल से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जितनी भी प्रोसेसेस उसके बीच आती है उन सारी प्रोसेस करने वाली कंपनीज को उन्होंने खरीद लिया। इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो स्टील बनाने से लेकर स्टील डिस्ट्रीब्यूशन तक जितनी भी प्रोसेसेस आती है उन सारी कंपनीज को उन्होंने खरीद लिया था ताकि किसी पर डिपेंडेंसी ना रहे और पूरी प्रोसेस को वो खुद हैंडल कर सके। इस स्ट्रेटेजी का नतीजा ये हुआ कि उन्हें तेजी से ग्रो होने में काफी हेल्प मिली। तो इस स्ट्रेटेजी की मदद से वो स्टील इंडस्ट्री में बहुत ही पावरफुल बन गए। अब सवाल ये आता है कि मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने यूएस की ऑयल इंडस्ट्री को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज किया था, उन्होंने इस वर्टिकल इंटीग्रेशन का उपयोग क्यों नहीं किया। उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑयल रिफाइनिंग के वर्टिकल इंटीग्रेशन में अगर वो ऑयल का एक्सट्रैक्शन करने वाली यानी ऑयल की ड्रिलिंग करने वाली कंपनीज को खरीद लेते तो उनकी रिस्क बढ़ जाती, बिकॉज वो मानते थे कि ऑयल की ड्रिलिंग करना एक बहुत ही रिस्की प्रोसेस है। कई सारा ऑयल वेस्ट भी चला जाता है और लक का भी उसमें काफी बड़ा फैक्टर होता है। कई बार ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है, और इसीलिए उन्होंने ऑयल एक्सट्रैक्शन की बजाय ऑयल रिफाइनिंग पर फोकस किया और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करके धीरे धीरे लगभग यूएस के 90% से ज्यादा ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को खरीद लिया था। मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी सिर्फ वर्टिकल इंटीग्रेशन पर नहीं रुके, उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन के साथ बाद में हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी स्टार्ट किया, यानी बाकी स्टील कंपनीज को खरीदना भी स्टार्ट किया। 1883 में उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी होमस्टेड स्टील वर्क्स को खरीद लिया। बाद में साल 1889 में उन्होंने अपनी सारी स्टील कंपनीज को एक करके कार्नेगी स्टील कंपनी खड़ी की, जो कि तब दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। मिस्टर कार्नेगी के सक्सेस के चलते साल 1890 में अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री का आउटपुट ग्रेट ब्रिटेन की स्टील इंडस्ट्री के आउटपुट से ज्यादा हो गया था और इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्नेगी स्टील को जाता था। और फिर अगले साल ही पूरे अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो पूरे ग्रेट ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल आउटपुट से ज्यादा हो गया और अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उभरने लगी। सब कुछ सही चल रहा था तभी साल 1892 में कार्नेगी स्टील के वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच संघर्ष शुरू हुआ। ये संघर्ष उन वर्कर्स के तनख्वाह को लेकर था। कार्नेगी स्टील में तनख्वाह काफी कम दी जा रही थी, इसी के चलते वहां के वर्कर्स ने स्ट्राइक की। ये संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया कि कार्नेगी स्टील ने पिंकर्टन नेशनल डिटेक्टिव एजेंसी से कुछ सिक्योरिटी गार्ड और लोगों को हायर किया, जिन्होंने बाद में लोगों पर शूटिंग शुरू की और उसमें करीब करीब 14 लोगों की मौत भी हुई थी। इस पूरे मामले के टाइम मिस्टर कार्नेगी वहां पर नहीं थे। वहां पर वर्कर्स पर शूटिंग के जो ऑर्डर दिए थे वो मिस्टर कार्नेगी के राइट हैंड हेनरी फ्रिक ने दिए थे, जिसके चलते मिस्टर कार्नेगी की इमेज काफी खराब हुई। बाद में मिस्टर कार्नेगी ने फ्रिक को कंपनी से हटा दिया, लेकिन इससे भी चीजें नहीं सुधरी। आगे चलकर भी स्टील की डिमांड बढ़ती रही, जिसके चलते स्टील कई सारी अलग अलग जगह पर यूज होने लगा। बिल्डिंग बनाने के लिए मेनली स्टील का उपयोग होने लगा, जिसके चलते कार्नेगी स्टील की मदद से यूएस में कई सारे स्काई स्क्रैपर्स यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी, जिसके बाद कई सारे लोग मिस्टर कार्नेगी को बिल्डर के नाम से भी जानने लगे। फिर साल 1901 में एंड्रयू कार्नेगी ने अपना बिजनेस जेपी मॉर्गन को $480 मिलियन में बेच दिया और उसके बाद वो पूरी तरह से फिलैंथ्रोपी पर फोकस करने लगे। मिस्टर जेपी मॉर्गन, जिन्होंने मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी से कार्नेगी स्टील खरीद ली, उनके बारे में हम नेक्स्ट केस स्टडी में बात करेंगे। बाद में मिस्टर जेपी मॉर्गन ने कार्नेगी स्टील को अपनी दूसरी स्टील कंपनी के साथ मर्ज किया और यूएस स्टील नाम की कंपनी खड़ी की, जो कि दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी थी। मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी का बहुत पहले से ही फिलैंथ्रोपी पर फोकस था
साल 1889 में ही उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था वेल्थ। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है ताकि सब जगह खुशहाली रहे। अपने बिजनेस सक्सेस के चलते मिस्टर एंड्रू कार्नेगी एक टाइम दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। बाद में अपने ऑयल बिजनेस के सक्सेस के चलते मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए, जिनके बारे में हम पिछली केस स्टडी में बात कर चुके हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। आगे चलकर मिस्टर एंड्रू कार्नेगी ने अपनी 90% वेल्थ डोनेट की, यानी आज की डेट के करीब 60,000 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेट किए। उन्होंने अपना कई सारा पैसा लाइब्रेरीज खड़ी करने के लिए डोनेट किया। उन्होंने अलग अलग सिटीज में 2900 से ज्यादा लाइब्रेरीज खड़ी की। पूरी अमेरिका की हिस्ट्री में किसी इंडिविजुअल ने इतनी सारी लाइब्रेरीज खड़ी नहीं की थी। मिस्टर एंड्रू कार्नेगी के अनुसार लाइब्रेरीज खड़ी करने के अलावा पैसों का इससे ज्यादा प्रोडक्टिव यूज और कोई भी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने तब के $55 मिलियन सिर्फ लाइब्रेरीज खड़ी करने में इन्वेस्ट किए। वो कहते थे कि अगर किसी को बुक्स का एक्सेस मिल जाए और उसमें सीखने की चाहत हो तो वो पर्सन अपने आप को एजुकेट कर सकता है और आगे चलकर सक्सेसफुल भी बन सकता है। मिस्टर जेम्स एंडरसन, जिन्होंने बचपन में उन्हें बुक्स दी थी, उनका मिस्टर एंड्रू कार्नेगी के लाइफ पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा और मिस्टर एंडरसन ने की हुई हेल्प को रिपे करने के लिए उन्होंने पूरी यूएस में लाइब्रेरीज खड़ी की थी। लाइब्रेरीज के अलावा उन्होंने कई सारी और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, जैसे कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस, कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी, कार्नेगी फाउंडेशन, कार्नेगी यूके ट्रस्ट जो कि सिर्फ एजुकेशन पर फोकस करती थी, कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ वॉशिंगटन जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च लैब थी, और मिस्टर कार्नेगी की सबसे बड़ी डोनेशन भी। मिस्टर नेपोलियन हिल नाम के शख्स मिस्टर एंड्रू कार्नेगी की कंपनी में एम्प्लॉय थे। मिस्टर नेपोलियन हिल मिस्टर कार्नेगी ने दी हुई सारी असाइनमेंट टाइम पर करते थे और जैसा कहा गया है वैसे ही करते थे। तो एक दिन मिस्टर कार्नेगी ने हिल को बुलाया और उन्हें कहा कि मैं आज तुम्हें दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट दे रहा हूँ, तुम्हें जाकर इन लोगों से मिलना है और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो तुम्हें उनसे पूछने हैं, साथ ही तुम अपने अनुसार भी कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछो और पता करो कि उनके सक्सेस का राज क्या है और वो सक्सेस और वो सीक्रेट्स तुम सभी के साथ शेयर करो ताकि सबको उनके सीक्रेट्स के बारे में पता चले और सभी लोग आगे बढ़ सके। मिस्टर हिल ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मिस्टर कार्नेगी ने उनसे कहा था कि ये पूरा टास्क कंप्लीट करने में शायद तुम्हें 20 साल के करीब लग सकते हैं, फिर भी मिस्टर हिल ने उसे एक्सेप्ट किया और अपने असाइनमेंट पर वो काम करने लगे। इस पूरी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें करीब 20 साल लगे और उसके बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्होंने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। तो आप देख सकते हो कि यूएस के जो रिचेस्ट पर्सन थे उनकी सोच कैसी थी। उन्होंने ना कि सिर्फ फिलैंथ्रोपी की बल्कि अलग अलग टेक्निक से मेक श्योर किया कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बेटर ही अवेलेबल हो। जरूर आप कुछ वक्त निकालकर इस बुक को पढ़िए, ये बुक कई सारी चीजें बदल सकती है। साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले।